नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है यस बैंक लिमिटेड का। दोस्तों यस बैंक का शेयर 15 दिसंबर 2023 को यहाँ पर 21.85 रुपए दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 21.95 रुपए पर हुई है। तो यहां से दोस्तों यस बैंक का जो शेयर है ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यस बैंक की बात की जाए दोस्तों तो यह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, 19 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वो राणा कपूर और अशोक कपूर जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो यह प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है वो है क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जाए तो इसमें 27,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले इसमें एम्प्लॉयज 20,000 के करीब थे, अभी इसमें एम्प्लॉयज की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसका जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है 26.14% की। उसके बाद वरवेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड के पास 6.43% की शेयर होल्डिंग है। सीए बेसक इन्वेस्टमेंट के पास 6.43% की शेयर होल्डिंग है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के पास 4.34% की शेयर होल्डिंग है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास 3.03% की शेयर होल्डिंग है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पास 2.61% की शेयर होल्डिंग है। और एक्सिस बैंक लिमिटेड के पास 1.57% की शेयर होल्डिंग है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 1% की शेयर होल्डिंग है। और पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक के पास 1.32% की शेयर होल्डिंग है। और दोस्तों इसमें डील्स में जो दिखाई दे रहा है, जो बल्क डील्स हुई है वो 17 मार्च 2022 को द वैंगार्ड ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, वैंगार्ड इमर्ज मार्केट स्टॉक इंडेक्स FDAA सीरीज ऑफ VIEIF ने 12.99 रुपए पे 36,98,73,766 शेयर्स लिए हैं 12.99 रुपए पे। तो बहुत बड़ी डील हुई है इसको दोस्तों। द वैंगार्ड ग्रुप CG पावर पे भी एंट्री इसने ली हुई थी 50 रुपए पे। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी शेयर बहुत ऊपर है। तो वैंगार्ड ग्रुप ने अगर इसमें 13 रुपए पे पोजीशन बनाई है तो आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ से 5-6 गुना, यहाँ से जो 13 पे लिया है करीबन 70 से 80 रुपए के करीब यस बैंक पहुंच सकता है आने वाले समय में, जैसा कि डील्स को देखकर ऐसा लगता है। और दोस्तों इसका जो आप लोग चार्ट देख सकते हैं, इसने जो हाई लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है 20 जुलाई 2018 में, 386.50 रुपए का इसने हाई लगाया हुआ है। उसके बाद कुछ फ्रॉड हुए जो कि राणा कपूर जी ने ऐसे बैड लोन्स बांटे कि जो रिकवर नहीं हो पाए। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें हस्तक्षेप किया और SBI को जिम्मेदारी दी गई और इसका रिकंस्ट्रक्शन प्लान तैयार किया गया। और 12 रुपए पे इसका IPO यानी FPO आया था। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था तब ये 14 से 15 रुपए के बीच में आ गया था। वहां से लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद अभी इसमें थोड़ा रिकवरी देखने को मिली है। और अभी ये अगर स्टॉक 22 रुपए के ऊपर रहता है तो इसमें बहुत तेजी आ सकती है। और
और दोस्तों जो 81 बॉन्ड केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी जो लेटेस्ट डेट है वो 29 जनवरी 2024 हो गई है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये डेट लगातार बढ़ती जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, इतनी जल्दी फैसला आने वाला नहीं है। और फैसला आएगा भी तो यस बैंक के फेवर में, जहां तक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यस बैंक के फेवर में ही रिजल्ट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के ओर से ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के दोस्तों इंतजार है, कुछ भी पॉजिटिव आता है तो ये स्टॉक तुरंत 30 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 30 रुपए तक यहाँ से जाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ही जल्दी ये 25 को क्रॉस करने वाला है, और अगर ये 2930 के ऊपर रहता है तो उसके बाद 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म है, 4 से 5 साल के लिए अगर आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, तो यह स्टॉक 100 रुपए तक जाने की भी ताकत रखता है, यानी कि 100 रुपए के ऊपर भी जा सकता है। बहुत बड़ी बैंक है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा दोस्तों इसकी ब्रांचेज हैं, एटीएम है, और बहुत ही जल्द एसबीआई भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है किसी ना किसी बड़े इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने इसको ले रखा है, काफी लोगों ने 14 रुपए से लेके 18 रुपए के बीच में ले रखा है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे ले रखा है तो आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। 30 रुपए तक का टारगेट आप इसको लेकर चल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फिर 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक का टारगेट भी ये दिखा सकता है। तो आप लोग चाहें तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जिस तरीके का पोजिशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग यस बैंक लिमिटेड के शेयर को कैश में बाय कीजिए, इसकी जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए, और आप इसको अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख के चलते हैं तो ये 30 रुपये बहुत ही जल्द आने वाला है यस बैंक में, और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 100 रुपये से लेके यानी 100+ ये बहुत ही जल्द जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कि यहाँ क्योंकि यहाँ से यस बैंक का स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, सरकार ने इसको बचाया हुआ है, तो ये बहुत ही जल्द इसका जो स्टॉक है काफी ऊपर जा सकता है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए शेयर का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छा फायदा देने वाला होगा। तो दोस्तों अभी आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।